press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello, namaskar, adab, welcome back to our channel Krishna Views. आज कौन सी वीडियो देखने वाले हैं? आज हम वीडियो देखने वाले हैं वो भी पेंटर की जो जिन्होंने मतलब जिनकी वीडियो वायरल हो गई थी. उन्होंने अभी परफॉर्म किया ना 14 अगस्त को कॉलेब्रेट किया किसी के साथ का नाम है उनका. सही में और नहीं तो क्या उनका लुक वगैरह सब पूरा चेंज हो गया और इंस्टाग्राम कहीं पर भी देखो पूरी जगह पर वही चल रहा है. अच्छा तो हमने इनकी जो एक पहली वीडियो पे अगर हमने रिएक्शन किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर आई बटन में जाइए और आप लोग को वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी. ठीक है और वो वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आया था. उसके बाद लोगों ने मुझे ये वीडियो डिमांड की थी. मेरे को तो पहले समझ ही नहीं आया कि लोग ये वीडियो की डिमांड करते. मैंने ध्यान से देखा तो ये वही आरिफ और ये पेंटर है जो कि कभी कैसा दिखता था कैसा हुआ करता था और अभी ये एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट हो रहा है. ठीक है बिल्कुल भी इनके नेचर में कोई चेंज नहीं आया. नहीं आता ना यार गरीब लोग कितने भी ऊपर चले जाए नहीं आएगा. तो वीडियो देखते हैं उसके बाद ही हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे. ठीक है किस तरीके का रिस्पेक्ट मिल रहा है और जिस चीज़ के वो हकदार हैं हम बोल रहे थे उनको मिलना चाहिए. ठीक है तो देखते हैं हम लोग. तो हियर वी गो 1 2 3 एंड स्टार्ट. रॉकिंग हुई है लाइव है बेटा. और ये है आरिफ भाई और जिनकी आवाज माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सुन रहा है. अच्छा सुनाने क्या वाला है? सुनाने के लिए अलमा बेग के साथ में परफॉर्म कर रहे हैं. सांसों को जीने का सहारा मिले हाई नोटिस पे दिया. अभी दूसरा था नहीं अभी ये करें पहला चेक करें. चलो पहले ये गाते हैं. चलो स्टार्ट हाई नोट सही करें. सांसों को जीने का इशारा मिल गया डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया. तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया. तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया. गमजदा दिल ये था गमजदा बिन तेरे दिल ये था गमजदा. नेक्स्ट जान से जैसे इस बार जान से गाए. अल्फाज है तुम सुनने तो आओ कभी छू कर तुम्हें खिल जाएंगी. घर इनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको. यार गला इतना तो वो है ना लाउड है. ये सिर्फ कॉन्सर्ट के लिए बचा के रखा हुआ था. आप तो समझते हैं कि पता नहीं इतना हाई नोट गला बैठ गया. गला नहीं बैठा आज मैं बैठ गया. इसकी ऐसी की तहसीर एक साल के बाद इसके बच्चे को देखना 6 महीने बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे जीत की ऐसी की तहसीर. सही में ऐसे हाई नोट्स पर ही मैं बोल रहा था वर्ड नहीं मिल रहा था. नॉलेज अबाउट रियल लाइफ देखने लग जाता है. अपने रियल लाइफ के बारे में डिस्कस करेगा कहाँ रहता है क्या करता था टाइम पे. लेकिन हैंडसम हो गया ना आमिर ने बहुत सब हैंडसम हो जाते हैं. नहीं जहाँ से इसने ग्रूमिंग करा है हेयर कट वगैरह अच्छा है. कैसे हैं आप लोग? नई लुक कैसी लगी? एक पेंट वाले की मैं वही पेंट वालों जी जी हाँ है पेंट वाले की लुक कैसी लगी आपको? मैं चेंज हो चुका हूँ ये देखें. माय गॉड यार क्या बोल सकते हैं इसको. चेंज हो गया मतलब. थैंक यू माय क्या कर अरे भाई इतना सामने कीजिए.
अभी क्या है ना, ये उस एटमॉस्फेयर को छोड़ के एक नई जगह पे आया है, मतलब नए सोसाइटी की तरफ, इसको भी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। अच्छा जी, और सुनाए, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी आप सबकी, और आप सबने इज्जत दी इतनी मेरे को। ये लोग अच्छे हैं कि भाई इसको सही से गाइड कर रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी है, 7 मिनट की वीडियो। अभी लाइव आ चुका है तो ये अभी यहाँ से इसमें को लगता है बंद कर देना चाहिए, देख लेते हैं आगे कुछ है कि नहीं। अच्छा ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ और मैं सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छी वीडियो देखो, मैं आ चुका हूँ और मेरा मेकअप हो गया है, अब मैं घर अपने घर बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस। कहाँ है इसका घर यार? अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं आपको लाइव देखूँगा कल कॉन्सर्ट के अंदर। वो नहीं, तुझे देखेंगे वो, उनको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता ऐसा लग रहा है। देखो मेरे जो साइड है वो चीज़ें बता रहे हैं उनको, भाई हार्दिक पांड्या जैसा दिख रहा है, अल्लाह का नाम है यार, कोई पाकिस्तानी नाम ले लेते हैं। हार्दिक पांड्या को नहीं जानते? ओ माय गॉड, क्रिकेट है हार्दिक पांड्या, सिंह बने पर मन भरे इसको नहीं आता, क्या बात है, सबका वक्त बदल गया। ये कौन है? ये वही है, पता नहीं कौन से पेज से लाइव है, वही पेंट वाला, पेंट वाला कितना अलग दिख रहा है, जिगर होना चाहिए, खुशी से बताता है पेंट पेंट वाला, ये दिल भी कहता है पेंट वाला हूं मैं, कितनी खुशी हो रही है कि मेरी ग्रूमिंग वगैरह हुई और मैं पता सही देख रहा हूं। अमेजिंग वॉइस, ब्रावो ब्रावो, मुबारक हो, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोगों को ही पहले मुबारक हो मेरी कामयाबी, बड़ी मेहरबानी लक्की। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों की ही जरूरत है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, दिल दिया। इसको अपना फुल वायरल करने की कोशिश है सब लोग, कल कल इंशाल्लाह यही आते के साथ ही गाया जाएगा, रियल अमेजिंग। अच्छा चले ठीक है, मुझे इजाज़त दे, मैं जाता हूँ अभी रिहर्सल करने, कल कॉन्सर्ट है, चन्ना मेरे प्लीज, नहीं वाओ ठीक है जी, ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं आता, पढ़ लेता होगा, व्हाट्सएप लैंग्वेज तो ये पढ़ ही लेता होगा, लेकिन जो इंग्लिश में होती होगी ना, जो इंग्लिश में कोई अगर टॉक करता होगा तो वो इसको नहीं आता होगा जैसा। तो ये देखिए हमें काफ़ी खुशी हुई, देखो एक्चुअल में पता है क्या हुआ, जब हमने वीडियो अपलोड की थी तो हमारे वीडियोज़ पर ही काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, जिसमें कि लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार पाकिस्तान में इसको इसकी कदर नहीं मिलेगी, यहाँ पे टैलेंट कितनी कदर नहीं है, तो आप हो सके तो मेरे को ऐसे पर्सनल मैसेज आए थे कि आप इसको इंडिया में वायरल करने की कोशिश करो, क्या पता इंडिया से इसको बुलावा आ जाए, ठीक है इस तरह क्या था, लेकिन मुझे था दिल में कि ऐसा है नहीं कुछ भी, ठीक है। मैंने उन लोगों को भी बोला कि भाई आप देखते जाओ टाइम के साथ, सब कुछ उस बंदे को मिलेगा, जो जिस चीज़ का हकदार है वो तो मिलेगा, उससे कोई नहीं इसको छीन सकता। तो वही सेम चीज़ कुछ टाइम बाद मुझे वही सेम लोग ये वीडियो सेंड कर रहे हैं और बोलते हैं कि देखो कि भाई इसको कॉन्सर्ट में जाके लाइव परफॉर्मेंस करने का इसको चांस मिला है, और जिस तरीके से इसकी ग्रूमिंग हो रही है, जो बंदा कुछ टाइम पहले कुछ कुछ पैसों के लिए, कितने पैसे मिलते हैं यार, मतलब इतने ही पैसे मिलते हैं कि भाई 2 टाइम का रोटी खा सके वो, ठीक है, उस तरीके से अपने गुजारा कर रहा था, अपने घर चला रहा था, और आज ये बंदा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होता है, हमें हमने शायद 1 वीक भी नहीं हुआ होगा उतने दिन पहले इनकी उस वीडियो पे रिएक्शन दिया था, जो वीडियो
रैंडमली किसी ने बनाई थी। लेकिन यार उस बंदे को बहुत ज्यादा थैंक्स इसको करना चाहिए अपनी लाइफ में कि जिसने भी फर्स्ट वीडियो इसकी बना के वायरल की है ना, उस बंदा ये बंदा वो बंदा इसके जीवन में कोई फरिश्ता बन के ही आया होगा। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई फरिश्ता बन के जरूर आता है, तो उसको कभी नहीं बोलना जिसने भी इसकी वीडियो बना के वायरल की थी, इसका शुक्रिया अदा जरूर करना। और भाई अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है? और तो हम लोग काफ़ी अच्छा लगा दिल से, हम इंडिया से हैं और सही में आपके लिए बहुत सारा प्यार और मोहब्बत। इसी तरह से फ्यूचर में कुछ अच्छा करिए और हम जरूर सुनना चाहेंगे कि आपको हम बड़े पर्दे पे देखना चाहेंगे, ठीक है? पर्दे पे देखना नहीं, सुनना चाहेंगे। हाँ वही मतलब होता है ना, स्टूडियोज में गाते हैं। हाँ। आजकल तो चल रहा है पाकिस्तान में वो एक वो नसीबोलाल और वो सारे जो है, पर यार नसीबोलाल कोक स्टूडियो में नहीं गाते, पता नहीं शायद गाया भी है, पहले गाया है, उनकी आवाज इतनी अच्छी है ये और ये है। पर हाँ उनकी सॉन्ग हम लोग सुनते ही रहते हैं, फरहाना मकसूद फिर और है सरमद तो उस तरीके की स्टूडियो में मैं जरूर उनको देखना चाहूंगा जिसमें रीमेक हो, इंडिया के कोई सॉन्ग ले लो या फिर ऐसा कोई भी रैंडम सॉन्ग जिसको गाए और प्रेजेंट करे। तो चलते हैं हम लोग, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस तरह की अगर और वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं, और अगर यार कोई इसकी जो लाइव कंसर्ट जो होने वाला है वो कब होने वाला है, हो गया यार उसकी कोई अच्छी वीडियो तो जरूर हमें सजेस्ट करिए, ठीक है? हम उस पर जरूर रिएक्शन कराएंगे, प्रॉपर वीडियो, ऐसे नहीं कि किसी ने फोन लेके ऐसे बना दिया एक मिनट का तो उनका शेक हो रहा है, हिल रहा है, अच्छी से आवाज नहीं आ रही, प्रॉपर अच्छी वीडियो होगी तो हम उस पर जरूर रिएक्शन करेंगे, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे, टेक केयर एंड स्टे गाइस।